दोस्तों, अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो नेगेटिविटी से और नेगेटिव लोगों से कृपया दूरी बना करके रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं एक और वैकेंसी की अपडेट के साथ में आ गया हूँ और ये वैकेंसी है इंडियन नेवी सिविलियन के लिए। सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में, सारी डिटेल्स के बारे में, और जो कि आपको पता नहीं होंगी, या फिर बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज होती हैं जो कि आपसे छूट जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता होता है। आप साइबर कैफ़े में जाके पूछते हैं कि वैकेंसी आई है भैया, लेकिन वो बोलते हैं नहीं आई है। इसलिए मैं अपडेट हमेशा देते रहता हूं, तो इसमें पूरा बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो इंडियन नेवी सिविलियन में तो आप ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो, और अगर आप नहीं हो तो आप यहीं से ट्वीट करके जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले बोलना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि ऐसी ही अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन करो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, ये है नोटिफिकेशन आपके लिए, और रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन पर्सनल इन इंडियन नेवी 2019 एट INS शिवाजी, INS वलसुरा एंड INS हमला। अब हम सीधा नीचे चलते हैं और वैकेंसीज की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है, क्लियर कर देता हूँ यहीं पे। सफाई वाला MTS, पेस्ट कंट्रोल वर्कर यानी PCW, फायर इंजन ड्राइवर। तो देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है, और बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि कम वैकेंसीज होती हैं तो क्यों अपडेट दिया और ये सब। लेकिन मैं उन कैंडिडेट्स के लिए देता हूँ जो कि सिर्फ एक वैकेंसी से मतलब रखते हैं, जिनको बहुत सारी वैकेंसी से मतलब नहीं होता है, उनको एक वैकेंसी चाहिए होती है। तो ये उन सभी के लिए है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत देखो और सिंपली छोड़ के जा सकते हो। चलिए अब नीचे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में। तो रिजर्वेशन में रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC EWS PWBDS ESM कैटेगरीज इज अवेलेबल एज पर एक्सटेंट गवर्नमेंट ऑर्डर्स। द रिजर्व्ड वैकेंसीज विल बी फिल्ड अप सेपरेटली फ्रॉम अमॉन्ग्स द एलिजिबल SCs, STs, OBCs, EW, मतलब जितने भी हैं इसके अंतर्गत आते हैं, उन सभी के बारे में। अच्छा, अब एज की अगर हम बात करते हैं तो एज है सफाई वाला नाउ MTS मिनिस्ट्रियल बिटवीन 18 से 27 होना चाहिए आपका। इसेंटियल की बात करें तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, साथ में एक वायलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन। तो कोई भी मैट्रिकुलेशन पास करेगा तो वो एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ ही करेगा। अगर आप अपने स्टेट बोर्ड से पास होते हो तो दैट मीन्स कि आप एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास किए हो, ठीक है, तो इसमें कोई वो बात नहीं है। उसके बाद पेस्ट कंट्रोल वर्कर, उसका भी 18 से 25 होना चाहिए। इसेंटियल की बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एबिलिटी टू रीड एंड स्पीक हिंदी रीजनल लैंग्वेज। आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए स्पीक करने की हिंदी में और या फिर रीजनल जो लैंग्वेज होते हैं उनमें। कुक की बात करें तो बिटवीन 18 to 25 इसेंटियल, वहीं मैट्रिकुलेशन और 1 year एक्सपीरियंस इन दी ट्रेड, ये होना चाहिए आपका। अब थोड़ा नीचे चलते हैं। अच्छा, अब है फायर इंजन ड्राइवर, यहाँ पे बिटवीन 18 to 30 है, ठीक है, इसेंटियल है वही मैट्रिकुलेशन पास और मस्ट हैव एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग हेवी व्हीकल्स एंड बी इन पोजीशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। तो आपका कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग में, वो भी हेवी व्हीकल्स में, ठीक है, और साथ में आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। Must be physically fit and capable of performing strenuous duties and must have passed the test specified at note below. अब आप इसके लिए टेस्ट देख लो क्या देना है, जो कि ये तीसरा है ड्राइवर के लिए। टेस्ट एज टू फिजिकल फिटनेस ETC referred above shall be as under. Height without shoes 165 cm, provided that a concession 2.5 cm height shall be allowed for members of the scheduled tribes. चेस्ट की बात करें अगर हम तो 81.5 cm, अनएक्सपेंडेड चेस्ट ऑन एक्सपेंशन 85 cm, वेट की बात करें 50 kg होना चाहिए मिनिमम, और इंड्योरेंस टेस्ट की बात करें तो कैरिंग ए मैन फायरमैन लिट ऑफ 63.5 kg टू ए डिस्टेंस ऑफ 183 m विद इन 96 सेकेंड, क्लियरिंग 2.7 m वाइड डिच लैंडिंग ऑन बोथ फीट लॉन्ग जंप, क्लिम्बिंग 3 m वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड एंड फीट।
और क्या है, डिजायरेबल, ये सब चीज़ें हैं, ये आप खुद से भी देख सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जा करके नेचर ऑफ ड्यूटीज़ इन ब्रीफ। उसके बाद मल्टी टास्किंग स्टाफ मीन MIN, फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ सेक्शन, ये सब चीज़ें दी गई हैं आपको क्या करना है, कैसे करना है और बाकी चीज़ें। अब अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWBDS के लिए जनरल में 10 ईयर्स, OBC में 13 और उसके बाद SC ST में 15 ईयर्स। अब से देख सकते हैं आप, ESM की बात करें तो जनरल के लिए 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर फ्रॉम एक्चुअल एज एंड एज ऑन द क्लोजिंग डेट। सिमिलरली फॉर OBC 6, SC ST 8, मतलब ऐड कर दिया गया 3 साल उसमें भी, तो 8 हो गया। बाकी अब नीचे चलते हैं हम, अगर हम स्कीम की बात करें रिटन एग्जामिनेशन के लिए, तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं ऑल शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव टू अपेयर इन द रिटन एग्जामिनेशन कंजिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इसेंटियल डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एज मेंशन्ड एट पारा 4 अबव एंड बाइलिंगुअल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर जनरल इंग्लिश कवरिंग एस्पेक्ट एज बिलो। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 15 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स, अवेयरनेस इन रिलेवेंट ट्रेड फील्ड 50 मार्क्स। तो ये आपके हैं, ऐसे एग्ज़ाम होंगे, टोटल आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 100 मार्क्स का। और इसमें अलग अलग आप देख सकते हैं, अगर आप लेना चाहते हैं ई-बुक इसके लिए, एग्ज़ाम के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी। अब नीचे चलते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया गया है, कैसे क्या होगा, कहाँ से क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ें। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जैक्ट डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी कम्युनिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड इशू टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। तो जिनका एडमिट कार्ड होगा इशू, उनके उस पर लिखा होगा एग्जैक्ट डेट टाइम और वेन्यू कहाँ पर होगा ये सब। अब अगर बात करें तो फिर स्किल प्रैक्टिस सेट होगा, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और अगर आप बात करें लास्ट डेट फॉर सबमिशन की, देखिए लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 21 डेज फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। गाइज अगर आप चाहें तो इसको जाके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई फेक वैकेंसी है या फिर ऐसा कुछ, ये उसमें भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आपको 21 डेज के अंदर भेजना है इस फॉर्म को, यानी कि 24 को लगभग ये जारी हुई है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, और उसके बाद आप 21 डेज को ऐड कर सकते हो। लेकिन कुछ स्टेट से हो अगर आप, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। कौन से स्टेट्स हैं, देखिए असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख डिवीज़न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट एंड पंगी सब डिवीज़न ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप विल बी 28 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो अगर आप इन एरियाज से हो तो आपको 28 डेज मिलेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप उससे हो तो आपको फिर कम मिलेंगे। अब थोड़ा अगर और नीचे चलते हैं हम, तो हाउ टू अप्लाई देख सकते हैं आप यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें देनी है आपको और कैसे देनी है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। द फॉर्मेट ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट इज अवेलेबल एट नवल वेबसाइट, ए सेल्फ एड्रेस इनवलोप ऑफ साइज 23x13 सेंटीमीटर विद पोस्टेज स्टैंप ऑफ RS-45 अफिक्स्ड ऑन द कवर, ये आपका होना चाहिए। जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है यहाँ पे कि कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कैसे क्या करना है ये सब। और अगर और हम नीचे चलते हैं तो देख लेते हैं क्या है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू दी कैंडिडेट, कैंडिडेट्स के लिए ये दिया गया है इंस्ट्रक्शन, तो आप ज़रूर पढ़िएगा इस चीज़ को, बहुत सारा है, तो अगर मैं पढ़ूँगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। और यहाँ पे अब थोड़ा सा नीचे दिया गया है, कॉशन टू ऑल कैंडिडेट्स, बी अवेयर ऑफ टॉट्स हुम मे मिसगाइड विद फॉल्स प्रोमिस ऑफ गेटिंग द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द जॉब ऑन इलीगल कंसीडरेशन, सिलेक्शन इज बेस्ड प्योरली ऑन मेरिट। यानी कि कहने का मतलब है कि उन लोगों से सावधान रहें जो कि मिसगाइड करते हैं, फॉल्स बातें बोलते हैं, प्रोमिस करते हैं कि हम आपको जॉब दिला देंगे इलीगल तरीके से, ऐसा कुछ भी नहीं है,
आपका जो सिलेक्शन होगा प्योरली मेरिट पे होगा। अगर आप मेरिट के लायक होगे तभी आपका जॉब होगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू फॉल प्रे टू फॉल्स एजुरेंस और एक्सप्लोटेशन एंड मस्ट नॉट इंटरटेन और इनकरेज अन स्क्रपलस एलिमेंट्स इन एनी वे। इट इज एम्फेसाइज्ड दैट द रिटन टेस्ट एंड द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट इन ए ट्रांसपेरेंट मैनर। तो वही चीज़ें लिखी गई हैं कि आपको उन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं है क्योंकि आपका ही गलत होगा, आपके साथ ही गलत होगा, तो इसलिए आप उससे दूर रहो और कोशिश करो कि अपने रिटन पे, अपनी कलम पे इतना दम रखो कि आप उससे निकाल सको। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और कोई कन्फ्यूज़न होता है आपके मन में तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर अगर पर्सनली पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से पूछ सकते हो। लेकिन यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए, फिर भी होता है तो पूछ सकते हो। इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज़रूर चेक करना। ये है पूरा फिल करने का, अगर आप चाहोगे तो मैं बता भी दूंगा एक वीडियो में कि कैसे आपको फिल करना है, तो आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपको जानना है कि कैसे इसको फिल करना है। तो इस वीडियो में यही सब बताना था। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक शेयर तो ज़रूर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके, और ज़्यादा पसंद आ गया हो तो लाइक भी कर देना। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, या फिर आप पुराने दोस्त हो तो और भी दोस्तों को हमारे साथ ऐड करो। कैसे? शेयर करके वीडियो को। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। धन्यवाद। जय हिंद।